दोस्तों, इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण दीपावली के मौके पर पढ़ने जाना। दिवाली, गोवर्धन पूजा और सूर्य ग्रहण, ये तीनों ही एक साथ आ रहे हैं और इसीलिए इस बार कई राशियों पर अलग प्रभाव भी पड़ने वाला है। आइए देखते हैं कि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जो 25 अक्टूबर को लगने जाना, किस समय पर लगेगा, सूतकाल वगैरह क्या रहेगा, भारत में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी ज्योतिष वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सूर्य ग्रहण के बारे में कई खास बातें आपको बताते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, इस साल का जो ये आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगेगा ना, इस दिन गोवर्धन पूजा भी जो कि ठीक दिवाली के दूसरे दिन होती है, राइट? यानी कि ठीक इससे एक दिन पहले 24 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा और दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और 25 अक्टूबर के ही दिन यानी दूसरे ही दिन सूर्य ग्रहण भी रहेगा। सूर्य ग्रहण के समय की बात करें तो भारतीय समय के मुताबिक 25 अक्टूबर को शाम 4:29 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा जो कि 5:24 तक रहेगा, लगभग एक घंटे की अवधि तक रहेगा। ऐसे में इन दोनों त्योहार पर सूर्य ग्रहण का क्या कोई असर पड़ेगा, इस दिन किस समय लोग पूजा कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। आपको बता दूं, हिंदी पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि जो है वो 24 अक्टूबर 2022 को शाम 5:29 से शुरू हो जाएगी जो कि अगले दिन 25 अक्टूबर को शाम 4:20 तक रहेगी। यानी कि अमावस्या की तिथि जैसे ही समाप्त होगी ना, उसके बाद सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। तो इसीलिए दीपावली का त्योहार तो इस बार 24 अक्टूबर को ही रहेगा। वहीं दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को जो एकम हो जाती है, उसके दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार भी मनाया जाएगा। प्रदोष व्रत की बात करें तो पंचांग के मुताबिक इस दिन प्रदोष व्रत भी है। प्रदोष व्रत पूजा का समय शाम 5:50 से रात 8:22 तक रहेगा और इस समय लोग प्रदोष व्रत की पूजा कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण रहेगा ये भारत में नहीं दिखाई देगा और इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, यानी भारत में ये सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से ही रहेगा। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है जो कि सूर्य ग्रहण के समाप्ति के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये जो भारत में सूर्य ग्रहण आंशिक रहेगा और इसलिए इसके सूतक काल का प्रभाव जो है भारत में नहीं पड़ेगा। और क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा और इसलिए दिवाली के त्योहार पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं गोवर्धन पूजा भी आसानी से मनाई जा सकेगी क्योंकि समय का और नक्षत्र का, ग्रहों का ऐसा कोई भी नकारात्मक योग नहीं बन रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सूर्य ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। तो आपको बता दूं, 4 ऐसी राशियां हैं जिनका सूर्य ग्रहण पर अति शुभ प्रभाव रहने वाला है। नंबर 1, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत शुभ रहने वाला है। इस ग्रहण से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है। आपके कई अधूरे काम बनेंगे, इस दौरान किए गए सारे कार्य के फल आपको बराबर मिलेंगे और कई यात्राओं का भी आपको लाभ मिलेगा। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए भी यह ग्रहण शुभ रहने वाला है। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए अच्छा समय है और ऐसा करना इस दौरान आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। नंबर 2, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण शुभ रहने वाला है। कार्य में सफलता प्राप्त होगी, मित्रों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और साथ ही कार्यस्थल और समाज में आपका यश बढ़ेगा। यह ग्रहण काल आपके भाग्य को भी मजबूत कर सकता है। अपनी योग्यताओं को साबित करने के लिए आगे बढ़कर किसी भी नई चुनौती का समाधान करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। इस दौरान कुछ उच्च अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है। अगला आता है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए भी यह ग्रहण बहुत शुभ रहने वाला है। कार्यस्थल में आपको लाभ होने की संभावना है। नौकरी में कई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साझेदारी यानी पार्टनरशिप के काम में भी आपको मुनाफा मिलने की उम्मीद है। इस अवधि में आप अपने काम को लेकर कार्यस्थल पर एक अलग पहचान बनाने में भी सफल रह सकते हैं। वहीं इस दौरान आप अपने लक्ष्यों को लेकर कड़ी मेहनत करते हुए भी नजर आएंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को भी यह ग्रहण शुभ और लाभ वाले फलदायक देगा। वहीं विदेश में नौकरी प्राप्त करने के भी चांसेस बन रहे हैं। उन्नति के लाभ होंगे। ग्रहण काल के दौरान जितना हो सके मंत्रों का जाप करें। व्यवसाय विस्तार के लिए कुछ नीतियां बनाने और उन्हें सही ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ये जो मैंने आपको 4 राशियां बताई दोस्तों, इनमें से आपका नाम कौन सी राशि में आता है, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। वृष राशि या वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि और धनु राशि, इन चारों ही राशियों में कौन कौन से नाम के पहले अक्षर वाले लोग बाग शामिल होते हैं, इन राशियों के लिए सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप और भी दूसरी राशियों के नाम और उनका सूर्य ग्रहण पर प्रभाव जानना चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आपके नाम का पहला अक्षर या आपका पूरा नाम लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। जय सूर्य देवाय नमः।